वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शैदा समर। कैसे हैं आप सब? आज मैं बहुत ही मजेदार सी और चटपटी सी रेसिपी बनाऊंगी स्पेशली बच्चों के लिए। आज मैं बनाऊंगी नूडल्स और उसके लिए मुझे जो जो चीजें चाहिए, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 3 टेबलस्पून कैबेज और हम बंद गोभी का यूज करेंगे इसमें। 2 यहाँ पर मुझे गाजरे चाहिए और 2 मुझे हरे प्याज चाहिए, उसका हमने व्हाइट वाला पार्ट भी यूज करना है और ग्रीन वाला पार्ट भी यूज करना है। 1/2 टीस्पून मुझे यहाँ पर चाहिए नमक, 1 टीस्पून चाहिए यहाँ पर मुझे सफेद जीरा, 100 ग्राम यहाँ पर मैं लूंगी चिकन का, 1/2 टीस्पून मुझे चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हम यूज करेंगे पिसी हुई काली मिर्च और 3 पैकेट हम यूज करेंगे जो हमें नूडल्स के अंदर मसाला मिलता है वो वाला मसाला भी हमने यूज करना है, 3 पैकेट मेरे पास वो है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर यूज करूंगी लेमन जूस, 1 टीस्पून मुझे चाहिए यहाँ पर सोया सॉस, 1 टीस्पून चाहिए मुझे यहाँ पर चिली सॉस और यहाँ पर 4 गिलास पानी मैंने डाल के इसको गर्म कर लिया और ये है मेरे पास 3 पैकेट नूडल्स के। हम इनको सबसे पहले बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर नूडल्स हो चुकी हैं बॉयल और हम इसको निकाल लेंगे और इसके पानी को हम वेस्ट कर देंगे। और सबसे पहले मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल और अब मैं डालूंगी चिकन इसके अंदर। 5 से 6 मिनट के लिए हमने चिकन को पकाना है। चिकन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को भी अभी इसमें ऐड करना है, तो हम सिर्फ 3 पैकेट ही बना रहे हैं उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि अभी हमने सब्जियों को भी ऐड करना है इसके अंदर। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने चिकन को पका लिया था, इसको गोल्डन कर लिया और अब मैंने ऐड कर दिया इसमें सफेद जीरा और अब हमने ऐड करना है इसमें सोया सॉस और अब जाएगा चिली सॉस। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, सॉरी पिसी हुई काली मिर्च और ये है मेरे पास प्याज और अब हमने ऐड करनी है इसमें गाजर और इसको हम पका लेंगे। हरा प्याज और जो कैबेज है हमारे पास बंद गोभी उसको हम बिल्कुल लास्ट में मिलाएंगे क्योंकि वो सब्जी बहुत ही सॉफ्ट होती है, हमें उसको पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाजर थोड़ी सख्त होती है तो 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको पका लूंगी। ये देखें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अभी से ही, बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनेगा और आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चलें जी ये हो गया, क्योंकि हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हमने इनको क्रंची रखना है और फ्रेश कलर के साथ। और यहाँ पर मैं डालूंगी नूडल्स का मसाला जो पैकेट के अंदर आता है और अब हम ऐड करेंगे इसमें लेमन जूस बहुत ही चटपटा फ्लेवर देने के लिए। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर नमक को स्किप कर सकते हैं क्योंकि जो पैक 3 से 4 टेबलस्पून मैं ऐड करूंगी इसमें पानी और अब हम इसमें मिलाएंगे बंद गोभी। इसको थोड़ा सा हमने मिक्स करना है, पकाना बिल्कुल भी नहीं है, इसका क्रंचीपन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अब हम ऐड करेंगे नूडल्स जो ऑलरेडी हमने बॉयल करके रखी थी और मैंने इनको वॉश कर लिया था ताकि ये हमारी रेसिपी बिल्कुल खिली खिली और फ्रेश बने। और अब हमने करना है इनको सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरह मिक्स। हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट हो चुकी है रेडी, एंड पे हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे इसके ऊपर हरा प्याज।